सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडोग्रोन। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार काफी रिक्वेस्ट के बाद हम लोग कॉलेज कंपैरिजन का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स दो कॉलेज को कंपेयर करना चाहते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, तो यार आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। जिस भी कॉलेज में आपको कंफ्यूजन है कि सर मैं ये कॉलेज लूं या ये कॉलेज लूं, तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाने वाला हूँ। तो यार आज का एक कुछ रिक्वेस्ट हमारी वेबसाइट पे आया था। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, हमारी वेबसाइट पे भी जाकर आप रिक्वेस्ट दे सकते हो। टॉप यहाँ पे कॉलेज वर्सेस कॉलेज आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे हमारी वेबसाइट का कॉलेज वर्सेस कॉलेज में जाना, वहाँ पे एक फॉर्म आपको फ्लैश करेगा। तो वहाँ पे आप अपना कॉलेजेस जो भी कॉलेज कंपेयर आप चाहते हो फिलआउट कर दोगे, तो उसका डाटा आपको अपलोड मिल जाएगा कंटेंट के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग LNCT और ओरिएंटल भोपाल का जो कैंपस है इसका करने जा रहे हैं, ठीक है, कंपेयर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो यार दोनों कॉलेज के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, वो सारे डिटेल मैंने कोशिश किया है इस वेबसाइट पे अपलोड करने का। आई होप आप इंजॉय करोगे वीडियो को। तो यार देखो स्टार्ट करते हैं दोनों कॉलेज के बारे में। सबसे पहले तो हम कॉलेज टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो LNCT भोपाल भी एक प्राइवेट संस्था है और ओरिएंटल भोपाल भी प्राइवेट संस्था है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो 1993 में LNCT भोपाल एस्टेब्लिश हुआ था, वहीं ओरिएंटल 1995 में हुआ था। टोटल कैंपस एरिया की बात किया जाए तो 35 से 40 एकड़ के आसपास का LNCT है, और आजकल का लेटेस्ट बताया तो ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, ठीक है, बट आप काम चला लेना इसे। ओरिएंटल का 25 से 30 एकड़ के आसपास। एफिलिएशंस की बात की जाए तो दोनों कॉलेज जो है अप्रोक्सीमेट सेम ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड है, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हो LNCT है, AICTE से ये तो अप्रूव है ही, साथ साथ PCI BU एफिलेटेड है इस चीजों से। वहीं ओरिएंटल भी लगभग सेम है। वहीं अगर हम LNCT का एवरेज प्लेसमेंट की बात किया जाए तो 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट है, वहीं ओरिएंटल्स में 6 से 8 लाख के आसपास, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह काफी स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उनका बहुत मन होता है कि जिस भी स्पोर्ट्स में है उनको ऐसा एटमोसफेयर मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते, बट इन दोनों कॉलेज में स्पोर्ट्स में एक अच्छा एटमोसफेयर आपको मिलेगा। वहीं पे एक्टिविटीज और इवेंट्स के बारे में बात किया जाए तो बहुत अच्छा एक्टिविटीज देखा जाए तो हर 2-3 महीने पे या मंथली यहाँ पे काफी एक्टिविटीज और इवेंट्स होते रहते हैं, जो आपके एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो होते हैं ना उसकी क्वालिटी को आपको इंप्रूव करेगा। और दोनों कॉलेजेस में लगभग ये चीजें अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी हम बेस्ट ब्रांच की बात करें तो LNCT में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, EC, IIT और फार्मेसी को अच्छा ब्रांच माना जाता है। वहीं पे ओरिएंटल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, सिविल, मैकेनिकल एंड फार्मेसी को अच्छा ब्रांच माना जाता है। फीस की बात किया जाए तो LNCT में ही थोड़ा सा फीस ज्यादा रहता है, लगभग 80,000 से लेकर 1.5 लाख के आसपास का आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। वहीं पे ओरिएंटल में 75,000 से 1.3 लाख के आसपास आपको कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात किया जाए तो LNCT में IIT, JEE, MPDT काउंसलिंग, TFW और 12th काउंसलिंग के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, वहीं इसका भी लगभग सेम प्रोसेस है। एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी में दोनों कॉलेज लगभग सेम रैंक पे आता है। दोनों में पढ़ाई के मामले में दोनों कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, नॉट टू गुड नहीं कह सकते, बट हाँ एवरेज XYZ, ठीक है। एक्स्ट्रा XYZ फीस देखो, बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं ना एडमिशन टाइम पर जो फीस वो बोलते हैं उसके बाद 4 साल में छोटे छोटे करके लगभग 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पैसा खींच ही लेते हैं। तो ये दोनों कॉलेज में भाई दीदी काफ़ी सारे बच्चों से ये फीडबैक मिला है कि बाद में चल के इधर फलाना ठिकाना करके थोड़ी बहुत फीस ये ऐड ही लेते हैं, और ये दोनों कॉलेज का वही हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोनों कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है, और ये आप इमेजेस वगैरह में देख सकते हो। और पर्सनली मैं इन कॉलेज पे भी सिंगल वीडियो रिव्यू बना चुका हूँ, तो आप जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट करके देख सकते हो। आई होप यार ये सारे डिटेल आपके काम का होगा, ठीक है। और अगर कुछ इसमें छूट रहा है, कुछ चाहते हो एक्स्ट्रा चीजें और भी कुछ मैं इंक्लूड करूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे शेयर भी करो। हम मेहनत कर रहे हैं तो यार 50% तो आपका एफर्ट बनना चाहिए ना, तभी तो हम और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। गुड बाय एंड टेक।